धनबाद के बहुचर्चित प्रमोद सिंह हत्याकांड में 18 साल बाद न्यायालय ने अपना अहम फैसला सुनाया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने कांड के सभी 6 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। प्रमोद सिंह हत्याकांड में कांग्रेस नेता रणविजय सिंह, संतोष सिंह, सराय ढेला के तत्कालीन थाना प्रभारी एमपी खरवार के अलावा 3 अन्य आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने एग्जीबिट किए थे और हम लोगों ने भी अपना डिफेंस रखा था बहुत दूर से, बहुत हर चार्जेस को हम लोगों ने काउंटर किया ट्रायल के 10-15-20 साल के ट्रायल में, और आज जजमेंट आ गया, सबको रिहा किया गया। ये कितने आरोपी थे पहले ये बताइए कि कितने टोटल इसमें आरोपी? आज 5 बजे है, 3 का डेथ हो गया पहले जी। 5 कौन कौन थे? आज थे ये 6 का आरोप ये फाइनल हो गया रिहा हो गया। बहुत किनके किनके हुए कब ये घटना घटी थी और कैसे कैसे ये मामला आया? ये 2003 की बात है, 2003 में घटना घटी थी, 3 अक्टूबर 2003 की ये घटना है। और पहले धनकार थाने में इसका FIR दर्ज हुआ था, सबसिक्वेंटली ये केस CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा। और CBI ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया और CBI ने जो नेम्ड अक्यूज थे इसमें उन लोगों को नॉट सेंटर किया और केस से निकाल के और ये 9 लोगों को केस मिलाया था कॉन्स्पिरेसी एंगल के साथ। और शूटर भी CBI के केस के मुताबिक एक पर्टिकुलर शूटर भी था। अच्छा। लेकिन पूरा भरोसा था और जो CBI का जो दोहरा चरित्र है वो उजागर हो गया और हम समझते हैं कि यहाँ की जो जिला प्रशासन है CBI से अच्छा कार्य करती है, क्योंकि ये FIR जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था, जो फैक्ट था हर एक चीज़ कोर्ट ने समझा और कोर्ट ने समझ करके ये फैसला दिया है। और हम तो शुरू से कह दिया है कि ईश्वर और न्यायालय पर हमें भरोसा है, सच्चाई की उम्मीद है। क्या लगता है कि CBI की जो जांच थी वो कहीं ना कहीं पक्षपाती रूपी रही? पूरी ये पक्षपात रूप से काम किया गया था, देश की भावना से किया गया था, कहीं ना कहीं पैसे की मांग, बहुत सारी चीज़ थी जो मैं जो पिछला जो हो चुका है उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि न्यायालय नहीं लगता कि CBI जिस मामले को भी जांच करती है उसमें थोड़ा बहुत CBI का काम है किसी भी चीज़ को कहानी में बना करके उसको पेश किया जाता है, लेकिन कोर्ट सबसे ऊपर बैठा हुआ है और कोर्ट ने ये फैसला देख कर। गौरतलब है कि यूपी के डॉन ब्रिजेश सिंह के रिश्तेदार प्रमोद सिंह की हत्या 2003 को धनसार थाना क्षेत्र के BM अग्रवाल कॉलोनी में कर दी गई थी। प्रमोद सिंह वाराणसी से ट्रेन से लौटकर अपने घर धनसार जा रहे थे। घर से थोड़ी ही दूरी पर हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसाई थी। मृतक प्रमोद सिंह की मौत से पहले लिए गए बयान के आधार पर सिंह मेंशन के रामधीर सिंह और राजीव रंजन सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया था। पंजाब केसरी TV के लिए धनबाद से नीरज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।